हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का आपका चैप्टर 4। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 4 में ना आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है कि पॉइंट क्या होती है, लाइन क्या होता है। तो देखिए ये जो है ना, आपने ये पॉइंट लगा दिया, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब पॉइंट एक डॉट के बराबर होता है, और जैसे कि टिप ऑफ कंपस या फिर आप ऐसे करके डॉट लगा देते हैं ये, तो ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं, ये सारे हमारे पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो पॉइंट्स को ना, दो पॉइंट्स हैं इनको जो जोड़ती है ना लाइन, दो पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब आगे आता है हम लोगों से अ लाइन। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है। लाइन जो होती है ना, उसके दोनों तरफ आपको क्या लगाने होते हैं, एरोज लगाने होते हैं। और जो लाइन सेगमेंट होती है, जो हमने इससे पहले देखी, वो दो पॉइंट्स के बीच में बनी होती है। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट जो होती है वो तो एक डेफिनेट होती है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओ, 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओ, है ना। बट जो लाइन होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, वो दोनों तरफ आगे बढ़ती ही जा रही होती है। तो लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। अब आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए ये जो एक्स बन रहा है आपका, ठीक है, मतलब दो लाइंस जब एक दूसरे को काट रही होती हैं, एक दूसरे को कट कर रही होती हैं या फिर एक्स बना रही होती हैं, तो ऐसी लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन आ करके कटती हैं या फिर एक दूसरे से मिलती हैं, इस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट बोलते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट, दो चीज़ें इनमें से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं इस तरीके से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, हमेशा चाहे वो आप कितनी पूरी धरती पे घुमा लीजिए, मगर ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप रेलवे ट्रैक आप देखते हैं, नहीं देखा तो आप अगली बार जब भी जाएंगे रेलवे स्टेशन, ध्यान से देखिएगा कि दो लाइंस होती हैं, इन दो, ये दो लाइंस होती हैं ना पैरेलल होती हैं, मतलब दो लाइंस एक दूसरे को अगर कभी भी टच नहीं करें तो वो पैरेलल लाइंस हैं। जैसे कि आपका टेबल होता है, टेबल की लाइन भी ऐसी होती है ना, आमने सामने वाली, ये जो गैप होता है जैसे बराबर होता है, जो रेक्टेंगल वाला टेबल होता है, स्क्वायर वाला टेबल होता है, तो वो दोनों भी पैरेलल होती हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसका रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो रेलवे लाइंस हो गए, या फिर आपका स्केल जो है, स्केल की ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होती है। अब आता है रे। तो रे क्या होती है, देखिए रे ना, जैसे कि आप बचपन से सन का डायग्राम बनाते आ रहे हैं ना, तो ऐसी लाइंस होती हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं, मगर एक ही सिंगल पॉइंट से निकल रही होती हैं, है ना। एक पॉइंट से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइंस जा रही होती हैं वो रे होती हैं, खूब सारी। ठीक है, एक यहाँ से निकल रही है और अलग अलग डायरेक्शंस में जो लाइंस जा रही होती हैं उनको हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, जैसे सन की रे है ना, या फिर टॉर्च की रे, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा वीडियो में, कि एक पॉइंट क्या होता है, ऐसा ये डॉट जो होता है ये पॉइंट होता है, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो एक लाइन होती है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, मतलब दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन लाइन सेगमेंट कहलाती है। फिर उसके बाद एक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने देख ली, फिर लाइन हमने देख ली, एक पॉइंट देख लिया, लाइन सेगमेंट देख ली। फिर लाइन क्या होती है, एक लाइन ऐसी होती है जिसके दोनों तरफ आप लोग एरो लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो दोनों तरफ आगे बढ़ती जाएगी, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। फिर हम लोगों ने देखा दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं या फिर एक्स बनाती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा क्या, फिर हम लोगों ने देखी रे, ठीक है, जो ऐसे करके जा रही होती हैं, मतलब जो रे होती है ना वो एक तरफ से तो उसके ऐसे करके पॉइंट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एरो होता है। ठीक है, तो यही सब जो हम लोगों ने सीखा ना, एक होती है पैरेलल लाइंस ऐसे करके जो कभी मीट नहीं करती हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक। अब यही पूरी जो नॉलेज हमने सीखी, ये हमारी इस एक्सरसाइज में क्या होगी, इस एक्सरसाइज में हमारी कंप्लीट नॉलेज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा था बेसिक्स का वीडियो था, इसके बाद हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।